अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। फिरोजाबाद थाना फरीहा क्षेत्र ईखू में पुरानी रंजिश को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर आकर मारपीट कर दी। फायरिंग होना भी बताया गया। इस दौरान करीब 5-6 घायल महिलाओं को जिला अस्पताल लाया गया, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई गई है। बताते चलें, थाना फरीहा के ईखू निवासी भूरे खां के परिवार के महिलाओं के साथ पुरानी रंजिश के चलते दूसरे पक्ष द्वारा घर पर आकर मारपीट कर दी गई। परिजनों ने फायरिंग की भी बात बताई है। घायल महिलाओं में मुन्नी, खुशनुमा, फूलबानो, नाशरा सहित करीब 5-6 महिलाएं घायल बताई गई, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर राहुल जैन ने बताया कि थाना फरीहा क्षेत्र ईखू से लड़ाई झगड़े 6 महिलाएं यहां आई हैं, जिनको प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। SP ग्रामीण अखिलेश नारायण सिंह ने बयान जारी करते हुए बताया, थाना फरीहा क्षेत्र ईखू में 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें बताया गया फायरिंग भी हुई है। पथराव करने वाले 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। शेष लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है। देखिए इंडिया लाइव न्यूज से हमारे जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। दोपहर 2 बजे हमारे घर के सामने ट्रैक्टर खड़ा था हमारा, तो हमारे घर पर कोई नहीं था, हम अकेले ही थे। और हमारे वो लोग हमारे घर के सामने ट्रैक्टर खड़ा देखकर गाली देते हुए निकल गए। तो हमने देखा बाहर निकल के, तो वो गाँव के बाहर खड़े थे और वो लोग दूसरे गांव के लिए निकल गए। तो हमने बोला ये शाम को आएंगे तो हम इन लोगों से गाली देने के लिए मना करेंगे। और एक लड़का आया हमारे गांव का, तो वो गांव हमारे घर से निकल के जा रहा था हमारे घर के पास से। तो हमने बोला कि आप उस लड़के से बोलते होंगे, अजीत चौहान से, कि हाँ मैं बोलता हूँ। तो मैंने बोला कि आप उनसे ये बोल देना, तो गाली देते हुए क्यों निकल गए थे आप। तो वो बोले कि हाँ मैं बोल दूंगा। फिर उस लड़के ने उसके पास कॉल किया कि जब वो लेडीज हम उससे ये बोल रही थी कि आप गाली देते हुए निकल गए उनके घर के सामने से, तो वो उसने बोला उस लड़के से कि तू दोबारा जा और उसकी रिकॉर्डिंग करके ला और मेरे पास भेज। तो वो लड़का दोबारा फिर आया था, तो वो मेरी रिकॉर्डिंग दोबारा पूछ कर मुझे रिपोर्टिंग करने लगा और करके ले गया और वो चला गया। तो ये करीब 6 बजे आए थे 4 लोग, शाम को 6 बजे आए थे 4 लोग। तो ये बोले पवन, सोनू और मोनू अजीत, ये 4 लोग दारू पी के आए थे शाम को। तो ये बोले गाली देते हुए कि बुला तेरे कितने गुंडे हैं और उन गुंडों को देखना है। तो मुझे घर में से खींचकर बाहर ला के और मेरी साड़ी वगैरह ब्लाउज वगैरह फाड़ दिया उन लोगों ने। तो मेरी सास बचाने के लिए आई तो पवन ने उसकी ईंट मार दी मेरी सासू माँ के। तो गांव के लोग आ गए, सब तक झगड़ा करते हुए गांव के लोग आ गए बीच बचाया करने। फिर भी वो डांट नहीं खा रहा था, कह रहा था कि लेके आ रिवाल्वर और इसको अभी उड़ाता हूँ, उसके पति को। जब तक मेरे पति आ चुके थे घर पे, तो उन लोग तो मैं शाम को थाने गई थी 7 बजे। तो उन लोगों ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की, थाने में मुझसे कह दिया कि जाओ घर पे, आपकी रिपोर्ट लिख जाएगी। और तो उन लोगों ने रिपोर्ट नहीं लिखी मेरी। तो मैं सुबह फिर गई थी। तो फिर मैंने मेरे पति ने कहा कि मेरी कोई सुनवाई हुई या ना हुई, तो उसे उनको गाली दे के पुलिस दरोगा जी ने भगा दिया। कौन सा थाना लगता है आपको? खैरगढ़। फिर क्या हुआ? फिर खैरगढ़ थाना गई थी, तो उन लोगों ने मेरे पति को गाली देते हुए भगा दिया कि यहाँ से जा, कुछ लड़ाई नहीं हुई है तेरी और तेरा कुछ झगड़ा नहीं हुआ है, तू चला जा यहाँ से। तो वो चले, हम लोग चले आए। फिर शाम को फिर गए थे और मैं 4 महीने की गर्भवती हूँ और मेरे पेट वगैरह में लात फात मारी थी और कमर में भी लात मारी थी। तो मेरा ब्लीडिंग भी आया 3 दिन और मेरा ओम हॉस्पिटल से इलाज चल रहा है। अब आप क्या चाहती हैं? आप अब मैं न्याय के लिए लड़ना चाहता हूँ।